हेलो उत्रियन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो फटाक से अभी के अभी लाइक मारो, कमेंट भी अभी जाके कर दो, जल्दी से फटाक से एक कमेंट हो जाना चाहिए। कर दिया तो अब चलते हैं, थोड़ा सा नोबल को एक्सप्लेन कर लेते हैं हड़बड़ाहट के साथ। वीडियो थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन ठीक है, मजा आने वाला है। तो पिछले एपिसोड को देख लेते हैं जो कि काफी भौकाल था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो यान उन दोनों ही लोगों को जॉब के अंदर एंटर होने नहीं देता। तभी ओल्ड मैन कहता है, भाई तुझे पता है वो चीज क्या है? वो ओल्ड मैन जिंगलुओं द्वारा छोड़ी गई चीज है, और अगर तेरे पास उसका इनहेरिटेंस नहीं होता तो तू यहाँ पे एंटर ही नहीं हो पाता। तभी जॉन कहता है, इसका मतलब है कि तुम दोनों के पास भी इनहेरिटेंस होना चाहिए। जिस पर खुसल बुड्ढा और ए फेंग दोनों ही बताते हैं कि हाँ, हमारे पास भी इनहेरिटेंस है। जिसके बाद जॉन कहता है, लेकिन चाहे जो भी हो मैं वहाँ एंटर होने नहीं दूंगा। लेकिन बुड्ढा कहता है कि मुझे वहाँ की एम्परर फ्लेम चाहिए। जॉन कहता है, देखेंगे बाद में। और इसके बाद खुसल बुड्ढा अपनी जगह बैठ जाता है, अटैक नहीं करता। एफेंग तो चाहता था कि जॉन को काट पीट के फेंक दिया जाए, लेकिन मजाल भाई ताकत ही नहीं है, फट रही है, तो बंदा भी शांत होकर बैठ जाता है। देन हमने देखा था वो लोग एक महीने तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, जहाँ खुसल बुड्ढे के साथ जॉन का कुछ गपशप होता है और एल्डर जॉन से कुछ बातें करते हैं, जॉन उनसे बात करता है। एफेंग से तो जॉन पूरी तरीके से उसे इग्नोर मार रहा था। लेकिन एक महीने बाद स्टार स्काई टैबलेट अचानक से उससे बाहर आता है और खुसल बुड्ढे से कहता है, अरे इन लोगों को अंदर किसने आने दिया? तभी जॉन कहता है, तुझे क्या लगता है भाई, मैं अपनी इसी पावर के साथ कितने लोगों को रोक पाऊंगा? मैं इतना कर सकता था कि इन्हें चौक के अंदर नहीं आने दे सकता था, तो नहीं आने दिया। जिस पे स्टार स्काई टैबलेट कहती है, अरे ठीक है यार, डोंट बी सीरियस, देख लेंगे। और इसके बाद वो उन दोनों से कहती है, देखो यार, तुम लोग यहाँ तक आए, ओल्ड मैन जिंगलुओं का इनहेरिटेंस है, तो मैं तुम लोगों के कुलड्रोन की रैंक बढ़ा सकता हूँ। तभी ओल्ड मैन कहता है, लेकिन वो फ्लेम? तो स्ट्रेस का टैबलेट कहती है, वो तो मैंने स्वालो कर ली, बड़ी टेस्टी थी। जिसमें ओल्ड मैन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन भाई क्या कर सकते थे, सामने वाला बंदा पावरफुल जो है। इसलिए एल्डर कहते हैं, चलो भाई कुलड्रोन की रैंक बढ़ा दो। तभी स्टार स्काई टैबलेट जो यान जो योग को लेकर कुलड्रोन के अंदर चला जाता है। ये देखकर बुड्ढा कहता है, नहीं, उसने फ्लेम स्वालो नहीं की, बल्कि वो उस लड़के को लेकर गया है, शायद वो उसे फ्लेम देना चाहता है। और ये एपिसोड मैंने वही एंड किया था, तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वही से। तो देखते हैं इस एपिसोड में क्या भसड़ मचने वाली है। इस टाइम पे ये फेंग कहता है, अगर ऐसी ही बात थी तो फिर आप कुलड्रोन को स्ट्रॉन्ग करने वाली बात पे एग्री क्यों हो गए? आपको कहना चाहिए था कि आपको वो फ्लेम चाहिए। साथ ही ओल्ड मैन के डरे हुए बिहेवियर को याद कर ये फेंग थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रहा होता है। साले तेरी खुद की फट रही है, दूसरे की फटी देख कर तुझे समस्या हो रही है, दोनों ही एक नंबर के फट्टू हैं। साथ ही वो इस चीज से भी नाराज था कि अगर ये ओल्ड मैन जानता था कि स्टार्स का टैबलेट ने एम्परर फ्लेम को अब्सॉर्ब नहीं किया, तो उसने इस बात को कहा क्यों नहीं? तभी ओल्ड मैन स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि आप उस स्पेशियल ट्रिब्यूलेशन को नहीं देख पाए, और अगर वो एक होली आर्टिक्राफ्ट नहीं होता तो ऐसा ट्रिब्यूलेशन या कि ऐसी सिचुएशन कभी भी क्रिएट नहीं होती। ये सुनकर वो तुरंत ही कहता है, होली आर्टिक्राफ्ट? ये फेंग इस टाइम पे काफी सीरियस होता है, और उसे अब जाकर लग रहा था कि शायद ये सेंट वेपन के साथ ही जो यान हेवनली सावरेन लेवल के वॉरियर को हराने में कैपेबल था। जिसके बाद ये फेंग कहता है, तो ये मामला है और इसके बारे में वो न जानने का नाटक कर रहा है, तो ये ऐसे खत्म हो गया। हालांकि उसका मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कर भी कुछ नहीं सकता था। दूसरा ओल्ड मैन भी अपनी पलके ऊपर उठाता है और कुछ भी नहीं बोलता। ये देखकर ये फेंग भी सोचता है कि शायद ओल्ड मैन भी चुपचाप इसे ही बर्दाश्त कर रहा है। जिसके बाद हमें स्टार लुओ स्टोन कुलड्रोन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, और जबरदस्ती यहाँ लाए जाने के बाद जो यान के सामने का सीन ही चेंज हो जाता है। ये देखकर जॉन शॉक हो जाता है और बोलने ही वाला था कि तभी स्टार कुलड्रोन जो कि एक काफी बड़े कॉपर कुलड्रोन की तरह था वहां पे दिखाई देता है। साथ ही इस कुलड्रोन की सतह पर काफी सारे अजीब से सिंबल्स दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे इसके अंदर पूरी दुनिया को प्रिंट कर दिया गया हो, और इसके अंदर असंख्य स्टार के डायग्राम भी होते हैं। साथ ही स्टार कुलड्रोन के ऊपर कभी कभी ग्रीन कलर की फ्लेम भी जल रही होती है, और जॉन इस फ्लेम को स्माइल करते हुए देख रहा होता है। साथ ही वो ग्रीन कलर की फ्लेम एक बच्चे की तरह प्योर स्माइल पास कर रही होती है, और जॉन तो बस मदहोशी से खड़ा उसे देख रहा होता है, और उस स्माइल को देखकर जॉन की सारी टेंशन दूर हो जाती है। जिसके बाद जॉन अपने हाथ से उस फ्लेम को छूने से नहीं रोक पाता, क्योंकि उसे ये ग्रीन रेड फ्लेम काफी ज्यादा होली और मासूम लग रही होती है, और वो जॉन के पास जाकर जॉन के टच को फील करने लगती है और उसके पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी अचानक स्टार स्काई टैबलेट जो यान के हाथ में काफी खतरनाक तरीके से अटैक करता है, और जो यान तुरंत ही जाग जाता है। जिसके बाद जॉन देखता है तो सबसे पहले उसके सामने खतरनाक फ्लेम का एक बड़ा सा मुंह होता है जो उसकी पांचों उंगलियों से ज्यादा दूर नहीं था। ये देखकर जॉन चौंकते हुए तुरंत ही पीछे हट जाता है कि ये फ्लेम उसे स्वालो करने वाली थी, और ये वास्तव में उसके मन को एल्यूजन में डाल सकती थी, और वो लगभग इसके जाल में फंस गया होता है। तभी स्टार स्काई टैबलेट कहती है, द फैंटेसी एम्परर जायंट स्प्रिट फ्लेम एक एल्यूजन पैदा कर सकती है। हालांकि ये ह्यूमन बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन ये दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। और ऐसा कहते हुए स्टार स्काई टैबलेट ग्रीन कलर की फ्लेम को देख रही होती है और काफी गुस्से में होता है। तभी जॉन कहता है, क्या तुमने इसे
अब्सॉर्ब नहीं किया है। इस टाइम पे तो जान दंग रह जाता है और मुट्ठी के साइज ग्रीन स्कारलेट रेड फ्लेम को देख रहा होता है। ये देखकर स्टार स्काई टैबलेट कहती है, मेरे पास इस चीज का क्या यूज है, और इसके अलावा मैंने आपको पहले ही कहा मैं आपको कुछ एम्फर फ्लेम्स खोजने में मदद करूंगा, तो इसे सबसे पहले एम्फर फ्लेम समझ के तुम रख सकते हो। कैसा रहा? और स्टार स्काई टैबलेट जॉन कुछ कह पाता कि इससे पहले उसकी एक बार फिर आवाज आती है, हालांकि इससे पहले कि आप फैंटेसी एम्फर जायंट स्प्रेड फ्लेम को ऑब्जर्व करें पहले एक काम करने में मेरी मदद करें। तभी जॉन कहता है क्या, और थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और बिना झिझक के एग्री हो जाता है। हालांकि जॉन को पता था कि स्टार स्काई टैबलेट काफी ज्यादा ईगोफुल था, लेकिन वो हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छा ही करने के लिए कहता था। साथ ही स्टार स्काई टैबलेट ने एम्फर फ्लेम को खोजने के लिए जॉन से बात की थी, इसलिए जॉन इससे भी खुश था। तभी स्टार स्काई टैबलेट कहती है, मुझे अपना बॉडी दो, और जियो यान की तरफ देखते हुए अचानक से हाथ पड़ता है और जोर से अपने हाथ को बढ़ाता है, जिससे जियो यान कोई एक्शन ले पाता कि उससे पहले स्टार स्काई टैबलेट की पांच उंगलियां तेज ब्लेड की तरह जॉन की चेस्ट के अंदर चुभ जाती है। और जब जियो यान को होश आता है तो उसके माथे से पसीने की बूंदे बह रही होती है और उसके सामने ये ग्रीन कलर की फ्लेम धीरे धीरे किसी बच्चे की तरह जल रही होती है। और उसके सामने जो स्टार स्काई टैबलेट गैरी सोच में था और गुस्से में दिखाई दे रहा होता है, वो तुरंत ही कहता है, क्या तुम थोड़ा शांत हो सकते हो, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं आया। दूसरा तो जियो यान कुछ देर के लिए बिल्कुल शॉक रह जाता है और जियो यान खुद से ही सोचने लगता कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो वापस से फैंटेसी एम्फर जायंट स्प्रिट फ्लेम के एल्यूजन से इफेक्टिव हो गया हो। तभी स्टार स्काई टैबलेट की आवाज आती है, स्टार कुलड्रोन इस स्ट्रोन कुलड्रोन का ओरिजन है और अभी भी कुछ टाइम बाकी है, कोशिश करके देखो कि क्या आप इसे ओपन कर सकते हो। और इसके बाद वो विशाल स्टार कोल्ड्रोन की तरफ इशारा करता है। तभी जॉन कहता है स्टार कोल्ड्रोन, और अपने होश में आता है और एक हेल्पलेस स्माइल करता है। साथ ही कोई और टाइम होता तो जॉन इसे खोलने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड फील करता, लेकिन अब पिल कॉम्पिटिशन ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए जियो यान ज्यादा गलतियां नहीं करना चाहता था। हालांकि जॉन कहता है ठीक है, हालांकि पिल कॉम्पिटिशन दूर नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं ट्राई कर सकता हूं। और इसके बाद वो स्टार कोल्ड्रोन को खोलने में ही 1.5 महीने का टाइम लगा चुका था, लेकिन अब वास्तव में स्टार कोल्ड्रोन को खोलना था तो भगवान ही जाने कि इसमें कितना टाइम लगने वाला था। तभी स्टार स्काई टैबलेट की आवाज आती है, बकवास मत करो, क्या तुम भूल गए हो कि तुम अभी कहां हो। स्टार लो स्टोन कोल्ड्रोन पहले ही एक एंसेस्ट्रल होली वेपन बन गया है और इसके अंदर का टाइम आउटर वर्ल्ड से काफी ज्यादा अलग है, जहाँ तक कि आउटर वर्ल्ड का एक दिन अंदर के एक साल के बराबर है, इसीलिए यहाँ का टाइम तुम्हारे लिए टाइम बर्बाद करने के लिए बहुत है छोटे साथी। और इसके बाद वो तुरंत ही पालथी मारकर बैठ जाता है और कहता है, स्टार कोल्ड्रोन को खोलने के बाद आप शांति से अंदर रह सकते हैं और फैंटेसी एम्फर जायंट स्प्रिट फ्लेम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं उस टाइम पे आपको बाकी की बातें बताऊंगा। और इतना कहने के बाद वो अपने बड़े से हाथ को लहराता और उसके सामने बूढ़ा आदमी और ये फेंग के कोल्ड्रोन दिखाई देते हैं, और ये दोनों हेवनली कोल्ड्रोन थे जिन्हें उसे स्ट्रॉन्ग करना था, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर देता है। तभी जॉन कहता है टाइम फॉर्मेशन, और काफी सरप्राइज होता है। साथ ही देखते ही देखते जॉन का मूड काफी अच्छा हो जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है, जिसके बाद वो एम्फर जायंट स्प्रिट फ्लेम को काफी डरे हुए तरीके से देखता है। हालांकि जैसे ही एक बार फिर से वो फ्लेम एल्यूजन क्रिएट करना चाहती थी, तभी जॉन की आंखों में उसकी फ्लेम अपेयर हो जाती है और वो उसके उस एल्यूजन को तुरंत ही नलीफाई कर देती है। साथ ही स्टार कोल्ड्रोन पर फैंटेसी एम्परर जायंट स्प्रिट फ्लेम साइन हो रहा होता है, जो कि स्टोन कोल्ड्रोन को बैलेंस कर रहा होता है। तभी जियो यान भी आगे बढ़ता है और अपनी नजरें कोल्ड्रोन के ऊपर लगाता है, क्योंकि स्टोन कोल्ड्रोन के भीतर स्टार कोल्ड्रोन वो काफी बड़ा हो गया होता है। साथ ही ऐसा लग रहा था कि इस कोल्ड्रोन का जो ढक्कन है थोड़ा सा ढीला हो गया है। साथ ही स्टार स्काई टैबलेट के साथ जियो यान को अब और कोई चिंता नहीं थी, इसलिए वो ओरिजिन क्विक को कंडेंस करता है और अपने पंच में, जिसके बाद जियो यान अपने ओरिजिन क्विक को अपने हाथ में कंडेंस करता है और कोल्ड्रोन के ढक्कन की तरफ दौड़ता है। और एक ऐसा फोर्स जो पहाड़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता था और नदियों को रोक सकता था सीधा ही उसे ढक्कन पे जाकर लगता है। और इसके बाद हमें 3 साल का सीन दिखाया जाता है, और 3 साल यहाँ पलक झपकते ही बीत गए होते हैं, लेकिन आउटर वर्ल्ड में अभी भी केवल 3 ही दिन बीते थे। साथ ही स्टोन कोल्ड्रोन में ये 3 दिन 3 साल के बराबर थे। साथ ही स्टार स्काई टैबलेट इन 3 सालों में उसने कोई भी आवाज नहीं की थी। साथ ही उसके सामने के 2 हेवनली कोल्ड्रोनों में चुपचाप कुछ अजीब से चेंजेस देखे जा सकते थे। साथ ही पहले के कंपैरिजन में उनमें एक अलग अलग अट्रैक्शन होता है। दूसरा जियो यान स्टार कोल्ड्रोन के ऊपर अपने होठों को क्लिक करता है और खुद एक्साइटेड होने पे खुद को मजबूर करता है, क्योंकि उसने देखा था स्टार कोल्ड्रोन के ढक्कन में कुछ क्रैक्स दिखाई दे रहे होते हैं। और पिछले 3 सालों में जियो यान सोच रहा था कि स्टार कोल्ड्रोन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन अब इन क्रैक को देखकर जियो यान स्टार कोल्ड्रोन जिसे ओल्ड मैन जिंग लुओ ने यूज किया था उसकी पावर को देख सकता था, और ये ऐसी कोई चीज नहीं थी जैसे एम्परर कल्टीवेशन लेवल का वॉरियर तोड़ सके। और जियो यान को पता था कि स्टार लुओ स्टोन कोल्ड्रोन के अंदर स्टार कोल्ड्रोन के इफेक्ट के कारण इसकी पावर कुछ हद तक सप्रेस हो गई है। साथ ही स्टार लुओ स्टोन कोल्ड्रोन जो सक्सेसफुली एक एंसेस्टर लेवल का होली वेपन बनने लायक था, और इसके ओरिजिन के तौर पर फैंटेसी एम्फर जायंट स्प्रिट फ्लेम और स्टार लुओ कोल्ड्रोन का यूज किया गया था, तो जियान को पता था कि स्टार कोल्ड्रोन इसका ओरिजिनल कोर होना चाहिए। जैसे किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट रखने के लिए अपन को किसी पावरफुल मॉन्स्टर कोर की जरूरत होती थी, वैसे ही इस कोल्ड्रोन का जो कोर था वो ये कोल्ड्रोन था।
हालांकि इन 3 सालों में जॉन की ताकत ज्यादा नहीं बढ़ी थी, लेकिन इस जगह पर जॉन ने अपनी पावर को बढ़ाने का भी कोई यूज नहीं किया था। वो इस टाइम पे केवल फैंटेसी एम्परर जायंट स्प्रेड फ्लेम और स्टार कोल्ड ड्रोन के बारे में ही सोच रहा होता है। साथ ही स्टार स्का टैबलेट के कारण उसे इसे एम्परर फ्लेम के बारे में काफी सारी चीजें पता चली थी, लेकिन थाउजेंड लीफ एशियन एम्परर फ्लेम को सेलो करने के बाद और उसके खतरनाक इफेक्ट के कारण जोयान के ऊपर फैंटेसी एम्परर जायंट स्प्रेड फ्लेम का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। लेकिन फिर भी एम्परर फ्लेम के बीच का जो प्रेशर था वो काफी ज्यादा था, और उस टाइम पे वो लिटिली के मोटिवेशन के लिए नहीं होता तो वो कभी भी कैओस ग्रेट एम्परर फ्लेम 3000 लाइटिंग एम्परर फ्लेम और एम्परर हेतियान यान के साथ थाउजेंड लीफ एशियन एम्परर फ्लेम को घेरने में कैपेबल नहीं होता। लेकिन वो भी काफी बड़ा रिस्क था, बट जोयान को उसके प्रॉफिट भी काफी हुए थे। हालांकि इसके 5 महीने बाद स्टार कोल्ड्रोन के ढक्कन का एक कोना आखिरकार टूट जाता है, और 3 महीने बाद पूरे कोल्ड्रोन में दरारें फैल जाती हैं, और 4 महीने बाद जोयान आखिरकार एक्साइटेड होता है क्योंकि ढक्कन एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया था। मतलब 4 दिन बीत गए आउटर वर्ल्ड में और आग की चिंगारियां उस कोल्ड्रोन से चारों तरफ फैलने लगती है। ये देखकर जोयान तुरंत ही कहता है ये कम्प्लीट हो गया। इस टाइम पे जोयान ने पूरे 4 साल लगा दिए थे इस कोल्ड्रोन के ढक्कन को ओपन करने के लिए, तब जाकर ये ओपन हुआ था और जॉन से देखकर काफी एक्साइटेड होता है, जिसके बाद बड़ा जलता हुआ हाथ बाहर आता है और फैंटेसी एम्परर जायंट स्प्रेड फ्लेम को पकड़ लेता है, जिसके बाद जोयान स्टार कोल्ड्रोन के स्पेशल रियलम में छलांग लगा देता है। हालांकि वो 4 साल से इस चीज के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी पावर में जरा भी सुधार नहीं हुआ था। साथ ही वो उन सभी टेक्निकों से फैमिलियर था जिसका उसने यूज किया था, लेकिन उनमें भी जरा सा भी चेंज नहीं आया था। लेकिन एक प्रॉफिट जो जोयान को हुआ था वो सबसे प्रीसियस प्रॉफिट था। इन यांग फ्यूजन ओरिजिन कोई के बारे में जोयान की समझ एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई होती है। हालांकि जैसे ही जॉन स्टार कोल्ड्रोन में एंटर करता है स्टार स्काई टैबलेट जस्ट उसी टाइम पे अपनी आंखें खोलती है और स्टार लुओ स्टोन कोल्ड्रोन के चारों तरफ स्पेस में होने वाले एरिया को देखकर सोच समझ कर सिर लाता है और उसके कोल्ड इंप्रेशन में एक हेल्पलेस स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही कहता है ओल्ड फ्रेंड ये स्टोन कोल्ड्रोन आपका सबसे हार्ड वर्क और बेस्ट ट्राई है, मैं इसे दूर ले जाऊंगा फ्यूचर में, भले ही मैं इसे एक रियल एंसेस्टर टाइप होली वेपन ना बना सकूं, मैं इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। जिसके बाद हमें स्टार कोल्ड्रोन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बीच में एक काफी बड़ा और इनफाइनाइट स्पेस होता है। हालांकि स्टार वो स्टोन कोल्ड्रोन जितना बड़ा नहीं था, लेकिन जॉन ने अंदर के एटमॉस्फेयर को पहली बार देखा था और एक हेवन का कोल्ड्रोन जिसे ओल्ड मैन जिंग लुओ अपने साथ कैरी करता था उसके अंदर कुछ अबनॉर्मल स्ट्रेंथ तो होनी ही थी, यहाँ तक कि एल्डरी के 5 डे हेवन कोल्ड्रोन की तुलना भी इससे नहीं की जा सकती थी। साथ ही उसके बाद उसने अपने मास्टर से सुना था कि प्रेजेंट टाइम पे ग्रेट वर्ल्ड में 3 से ज्यादा 7 डे कोल्ड्रोन नहीं थे, तो ये वाला स्टार कोल्ड्रोन कम से कम 7 डे कोल्ड्रोन होने की पॉसिबिलिटी थी, और ये होली आर्टिक्राफ्ट जो कि स्पेस की पावर को कंट्रोल करने में और रिलेट करने में कैपेबल थी वो पहले ही एक एंसेस्टर ग्रेड होली आर्टिक्राफ्ट के लेवल तक पहुंच जाने वाली चीज बन चुकी होती है। और दूसरे वर्ड में भले ही कोल्ड्रोन के भीतर की जगह बनाई गई हो, इस लेवल की कोल्ड्रोन की स्ट्रेंथ पहले ही एक हेवन ग्रेड होली आर्टिक्राफ्ट के बराबर थी, और यहाँ तक कि जोयान को भी विश्वास नहीं होगा कि इस लेवल का हेवनली कोल्ड्रोन 7 डे कोल्ड्रोन तक पहुंच गया है। जिसके बाद जोयान अपने हाथ में उस ग्रीन कलर की फ्लेम को देखता है जो कि बिल्कुल एक ड्रीम के जैसे एल्यूजनरी लग रही होती है, और ये किसी के भी मेंटल स्ट्रेंथ पर अटैक करती थी। हालांकि इस टाइम पे जोयान की आंखों में भी उसकी फ्लेम अफेयर हो जाती है और वो इससे आने वाले हरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रही होती है। साथ ही थाउजेंड लीफ एशियन एम्परर फ्लेम के इफेक्ट के साथ फैंटेसी एम्परर जायंट स्प्रेड फ्लेम जोयान को एल्यूजन में नहीं दाड़ पा रही होती और इसका जोयान पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। जिसके बाद जॉन कहता है क्योंकि फ्लेम स्टार लुओ स्टोन कोल्ड्रोन का ओरिजिन बन सकती है तो ये पॉसिबिलिटी है कि अपने टाइम पर पीक लेवल पर थी। तभी उसके बगल में जियो यो अपेयर होकर एशियन एम्परर जायंट स्प्रेड फ्लेम को देखता है और काफी टाइम बाद वो कहता है मामू हालांकि ऐसा लगता है कि अब ये केवल फ्लेम का एक टुकड़ा है और अगर तू इसे अभी या कि मैं इसे अभी खा लेता हूँ तो थोड़े समय में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये देखकर जॉन भी उस ग्रीन कलर की फ्लेम को देखता और सोच समझ के अपना सिर हिलाता है। जॉन को पता था कि अब लिटिली के लिए मोरार्क सॉरी फैंटेसी एम्परर जायंट स्प्रेड फ्लेम को सेलो करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इसे सेलो करने के बाद उसकी पावर भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, साथ ही इसका कल्टीवेशन केवल लिटिली द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन अगर यदि इसी टाइम पर एम्परर फ्लेम की रियल पावर भड़क उठी तो उसके लिए सिरदर्द हो सकता है। जिसके बाद जोयान कुछ देर तक सोचते हुए कहता है क्या तुम इसे पहले लेना चाहते हो। तभी जियो यो कहता है द फैंटेसी एम्परर जायंट स्प्रेड फ्लेम एक रियर फ्लेम है जो किसी के दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दूसरी फ्लेम है जो कि किसी के दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है। और ऐसा कहते हुए जोयान कुछ जियो यो कुछ सोच रहा होता है। तभी जोयान कहता है क्या। यह सुनकर तो जोयान का दिमाग हिल जाता है क्योंकि वो एम्परर फ्लेम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था और इनमें से कुछ ही एम्परर फ्लेम जॉन ने देखी थी। तभी जियो यो कहता है हाँ मामू वो फ्लेम है 9th रैंक की डिवाइन एल्यूजनरी एंसेस्टर ड्रैगन फ्लेम। और ऐसा कहते हुए जियो यो अपने होठों को जीभ से प्योर करता है और काफी गहरी आवाज में ऐसा कहता है
की लेजेंडरी फोर स्प्रिट, उनमें से हर एक एम्परर फ्लेम से रिलेटेड है। जैसे कि एज़ोर ड्रैगन क्लेन से रिलेटेड एक एम्परर फ्लेम है डिवाइन एल्यूजनरी एंसेस्टर ड्रैगन फ्लेम। ये सुनकर तो जॉन का गला कांप उठता है। यह पहली बार था जब उसने ऐसी बातें सुनी थी। हालांकि जॉन को पता था कि आमतौर पर जब कोई हेवेली विश के लेवल पर पहुंचता है तो उसके बॉडी के अंदर एक बीस्ट फ्लेम पैदा हो जाती है। जहाँ तक फोर स्प्रिट का सवाल है तो पीक लेवल के होली बीस्ट के रूप में भी बीस्ट फायर उसके भीतर तक अजीब से म्यूटेशन से गुजरती है, और अगर वो काफी ज्यादा लकी हुआ तो ये एक एम्परर फ्लेम में बदल सकती है, और इसके अलावा इसकी रैंकिंग कम नहीं होती, ऐसा जियो उसे बताता है। और इसके बाद वो कहता है कि ऐसा ही है मामू। तभी जोयन अपने हाथों में फैंटेसी एम्परर जायंट स्प्रिट फ्लेम को देखता है, और अगर उसने ये नहीं देखा होता तो उसे याद नहीं आती कि यह फ्लेम एज़ोर क्लेन से रिलेटेड है। तभी जोयन के चेहरे को देखकर जोयो कंधे उचकाते हुए कहता है, हालांकि ये फ्लेम इसके अंदर काफी प्योर फोर स्प्रिट ब्लड लाइन, यहाँ तक कि एंसेस्टर ब्लड लाइन को अवेक करने की पावर है। साथ ही एक क्लेन के डिसेंडेंट की बॉडी के अंदर पैदा होने का भी मौका है, जो कभी कभी ही अपेयर होता है, लेकिन मेरी मेमोरीज के अकॉर्डिंग ये मेरे क्लेन में कभी भी दिखाई नहीं दी। ये सुनकर जॉन तुरंत ही कहता है, तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? साथ ही ये थॉट के लिए कि अगर डिवाइन एल्यूजनरी एंसेस्टर ड्रैगन फ्लेम को एम्परर फ्लेम की रैंक में 9th रैंक पर रखा गया था तो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल रही होगी, और फोर स्प्रिट्स के किसी भी क्लेन के अंदर इस तरीके की फ्लेम का अफेयर होना पहले ही बताता था कि वो क्लेन कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता था। तभी जोयो अचानक से कुछ हिचकिचाता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। तभी जोयो के एक्सर को देखकर जॉन कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम्हारे पास कुछ है तो बस बता दो। और जॉन हंसने लगता है। वास्तव में इस बंदे ने अब तक उसका पीछा किया था, उसे फॉलो किया था, लेकिन वास्तव में आज वो एम्बेरस फील कर रहा था। तभी जोयो कहता है, मुझे डर है कि अगर मैं आपको बता दूं तो आप इस बात से खुश नहीं होंगे। तभी जॉन स्माइल करते हुए कहता है, क्या बात है, क्या तुम मेरी जान चाहते हो? मुझे सच सच बताओ वरना मैं नाराज भी हो सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए जॉन गुस्सा करने का नाटक करता है। तभी जोयो कहता है, मैं वो क्या आप मुझे ये फैंटसी एम्परर जायंट स्प्रिट फ्लेम दे सकते हैं और मुझे इसे स्वैलो करने दे सकते हैं? और घबराते हुए जोयान को देखता है। उसे डर था कि कहीं जोयान नाराज ना हो जाए। साथ ही जोयान को जिस चीज पर अपना कॉन्सेंट्रेट करना था वो था एम्परर फ्लेम को स्वैलो करना और अपनी पावर को बढ़ाना, क्योंकि उसकी पावर के बढ़ने के साथ उसकी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ती थी, जिससे उसके फील्ड कॉम्पिटिशन में उसे काफी प्रॉफिट हो सकता था, जिससे आने वाले कॉम्पिटिशन में फैंटसी एम्परर जायंट स्प्रिट फ्लेम और स्टारलुओ स्टोन कोल्ड्रोन के अंदर बढ़ी हुई पावर से वो काफी अच्छा रिजल्ट भी पा सकता था। साथ ही इसके अलावा जोयान तो एमएलई सॉवरेन लेवल के वॉरियर को हराया था, जिससे कई बड़े लोगों का ध्यान भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, तो जोयान को पावर की जरूरत थी, और इस टाइम पे उससे एम्परर फ्लेम मांगना जोयो को थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है। हालांकि जोयो के हकलाते हुए वर्ड्स को सुनकर जोयान एक पल के लिए शॉक रह जाता है, जिसके बाद वो हल्के से स्माइल करता है और बिना कुछ भी कहे जोयान अपने हाथ की फ्लेम को जोयो की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, लो। जिसके बाद वो कहता है, ये चीज भले ही मेरे पास अभी है, ये मेरे लिए बेकार है, और अगर ये तुम्हारी मदद कर सकती तो तुम इसे रख सकते हो, ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें तुम्हें इतना डरने की क्या जरूरत है। साथ ही स्टैम्प पे जोयान के पास 4 एम्परर फ्लेम्स थी जिन्हें स्ट्रॉन्ग माना जा सकता था, और भले ही फैंटेसी एम्परर जायंट स्प्रिट फ्लेम को वो सॉलो कर लेता तो हो सकता था कि वो इस कॉम्पिटिशन में अच्छा रिजल्ट हो सकता था कि वो इस कॉम्पिटिशन में उसे अच्छी तरीके से यूज ना कर पाता क्योंकि टाइम कम था, और अगर उसे इसकी वजह से हार्ट फ्लेम बर्निंग का सामना करना पड़ता तो ये तो मौत से भी बदतर हो सकता था, और कम से कम अभी के लिए हार्ट फ्लेम बर्निंग से निपटने की जॉन की कोई भी तैयारी नहीं थी। साथ ही जब एक मोनार कल्टीवेशन हेवनली सॉवरेन में कदम रखता है तो लोअर रियलम के बंदे को लगभग मौत की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तो पर्याप्त तैयारी के बिना जोयान ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि उसे याद था कि हार्ट फ्लेम बर्निंग से निपटने के दौरान ओल्ड एंसेस्टर जो तियान कांग उनका अनुभव जियो क्लेन में होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, इसलिए इस मामले को सुलझाने के बाद जोयान पता लगाने के लिए वहां जा सकता था। और जिसके बारे में बात करते हुए अगर जोयान फैंटसी एम्परर जायंट स्प्रिट फ्लेम को जोयो को दे देता था तो उसकी ताकत भी बढ़ सकती थी, और यह कुछ ऐसा था जिसे देखकर वो भी खुश फील हो सकता था, क्योंकि ग्रेट वर्ल्ड में आने के बाद बाद बाला तभी से जोयान के साथ था, और इन सभी टाइम में जोयो ने जोयान की काफी मदद की थी, लेकिन बदले में जोयान उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि उन दोनों के बीच का रिलेशन इतना डीप था कि एम्परर फ्लेम भी यहाँ पे मायने नहीं रखती थी। तभी जोयो उसे ग्रीन कलर की फ्लेम को पकड़ता है और काफी हार्ड फ्रेस एम्परर के साथ जोयान उस फ्लेम को देखता है। उसे पता था कि अगर इस चीज को बाहर रखा जाता तो हेवनली सॉवरेन लेवल का वॉरियर भी अपना सिर फोड़ लेता और इसके लिए लड़ता, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जोयान वास्तव में इतनी जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा और उसे ये बिना कुछ कहे ही दे देगा, जिससे वो दिन में अपने काफी गर्माहट फील करता और दिल ही दिल में काफी खुश होता है। तभी जोयान को शौक रहता देखकर जोयान स्माइल करता और कहता है, क्या तुम इसे खाकर यहाँ पे इसे रिफाइन करने के बारे में सोच रहे हो? अगर ऐसा तो ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये देखकर जोयो अपने थॉट को ठीक करता है और तुरंत जीभ बाहर निकालकर कहता है, मामू अभी टाइम नहीं हुआ है। और इसके बाद वो शरारती स्माइल के साथ तुरंत ही कहता है, मेरे पास एज़ोर ड्रैगन ब्लड लाइन भी है, और अगर फैंटेसी एम्परर जायंट स्प्रिट फ्लेम उसे एक्टिवेट कर सकता है तो शायद मैं फ्यूचर में आपको सरप्राइज भी कर सकता हूँ।
देखना मामू, ये देखकर जॉन स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं इसका इंतजार करूंगा। और ये सुनकर जॉन स्माइल करते हुए फिर से स्टार कुलरोन को देखता है और फिर उसके बाहर आ जाता है। दूर तक जोयो भी एक गहरी सांस लेता और अपने पाम को हिलाता है। और किसी को नहीं पता था कि फैंटसी जायंट एम्फर फ्लेम को कहां रखा गया था, जिसके बाद वो भी स्टार कुलरोन से बाहर आ जाता है। और स्टार का टैबलेट दो हेवन कुलरोन के सामने क्रॉस लेग करके बैठा हुआ होता है। और जब वो स्टार लो स्टोन कुलरोन के अंदर काफी बड़ी एनर्जी को फील करता है तो वो अपनी बॉडी के अंदर काफी अच्छा फील कर रहा होता है, साथ ही अपनी पिछली चोटों के कंपैरिजन में वो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा होता है। जिसके बाद स्टार्स का टैबलेट अपनी पलकों को झपकाते हुए कहता है, वो इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया? और वो काफी हैरान भी होता है। उसे लगा था कि जॉन स्टार कुलरोन के भीतर से बाहर आ रहा था, जबकि उसे पता था कि जॉन को अभी भी फैंटसी एम्फर जॉइंटेड रेड फ्लेम को सेलो करना चाहिए। हालांकि उसकी बात को सुनकर जॉन स्माइल करता है और अपने बगल में जोयो को देखता है। तभी स्टार्स का टैबलेट भी हंसता है और कहता है, वो फ्लेम तुम्हारा है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो और कोई क्वेश्चन नहीं करता। साथ ही उसका जिम्मेदारी केवल जोयन के लिए एम्फर फ्लेम खोजने की थी, वह उसका क्या यूज करता है, कैसे लेना देना करता है, इसका उससे ज्यादा रिलेशन नहीं था। तभी स्टार्स का टैबलेट की तरफ देखने के बाद जोयन कहता है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो हम कब बाहर जा रहे हैं? क्योंकि मेन टॉपिक अभी भी मेन था और मेन टॉपिक था फील्ड कॉम्पिटिशन। और इतने टाइम के बाद भी मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए अभी भी जोयन को कोई भी जरूरी मेडिसिन इंग्रेडिएंट नहीं मिले थे। और आउटर वर्ल्ड के मेडिसिन इंग्रेडिएंट के कंपैरिजन में हेवन मेडिसिन माउंटेन रेंज के इंग्रेडिएंट उनके अंदर एक अलग ही स्पिरिचुअल पावर थी। और इसीलिए लोग अपनी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें अलग ही पहचान लिया जाया जा सकता था। साथ ही इस कंपटीशन में जो भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे वो काफ़ी टैलेंटेड और रिपोर्टेड पर्सन थे। कोई भी इस तरीके के काम नहीं करना चाहता था, ना ही ऐसा कोई करने वाला था, लेकिन ये गारंटी देना भी इम्पॉसिबल था कि ऐसे लोग होंगे जो जोखिम उठाएंगे। तभी स्टार्स का टैबलेट भी कहता है, 3 महीने, ऐसा लगता है कि अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। जिसके बाद स्ट्रेस का टैबलेट इत्मीनान से जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, उन दोनों लोगों के पास आउटर वर्ल्ड में बहुत सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट होने चाहिए, बाहर जाओ और उन्हें मार डालो, जिसके बाद तुम्हें मेडिसिनल हब्स अपने आप ही मिल जाएंगे। साथ ही उन दोनों के पास ओल्ड मैन जिंग लुगो का सामान है। और ऐसा कहते हुए जोयान कहता है, इसीलिए उन्हें मारने के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए, और इसकी वजह तुम कह रहे हो कि मैं उन्हें मारूं। और इस टाइम पे जॉन का जो लहजा होता है थोड़ा सा नाराजगी से भरा हुआ होता है। तभी स्ट्रेस का टैबलेट कहती है, ये बात अलग है, ओल्ड मैन जिंगलुओ मेरा ओल्ड फ्रेंड है, इसीलिए मैं उस तरीके से किसी पर भी अटैक नहीं करूंगा जिसके पास उसका इनहेरिटेंस है। लेकिन आपके लिए बात अलग है, ओल्ड मैन जिंगलुओ आपसे फैमिलियर नहीं है, इसीलिए आप कैपेबल नहीं होंगे, उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए स्टार्स का टैबलेट आंखें से कोड़ता है और स्माइल करता है, जो देखकर जॉन के इंप्रेशन बदल जाते हैं कि स्टार्स का टैबलेट वास्तव में उसे ही आगे धकेल रहा था। जिसके बाद जॉन कहता है, नहीं, आप और ओल्ड मैन जिंगलुओ के बीच में आखिरकार क्या रिलेशन है और आप क्यों उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते? तभी स्टार्स का टैबलेट कहती है, लेकिन इसका कनेक्शन आपके साथ भी है। और इसके बाद वो कहता है, क्योंकि आपने सभी स्टार कुलरोन को ओपन कर दिया है तो आपको क्या लगता है कि रीजन और इफेक्ट क्या है? और ऐसा कहते हुए स्टार्स का टैबलेट स्माइल करते हुए खड़ा हो जाता है और उसकी आवाज जॉन के कान में गूंजती है, जिसके बाद वो कहता है, पास्ट का स्टार कुलरोन एक ओरिजिनल 7 डे कुलरोन था और भले ही ये अब हैवीली डैमेज हो गया हो, लेकिन इसकी पिल को रिफाइन करने की स्ट्रेंथ कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना आज के 5 डे कुलरोन के साथ की जा सके। साथ ही ये कुछ ऐसा है जिसे ओल्ड मैन जिंग लुओ पीछे छोड़ गए हैं, तो इसे ऐसे ही बर्बाद मत करो। तभी जॉन शॉक होते हुए कहता है, इसे बर्बाद मत करो। और जॉन को कुछ भी रिएक्ट करने में काफी टाइम लगता है। और इसके बाद वो स्टार्स का टैबलेट की बात को सुनकर उस कुलरोन की तरफ देखने लगता है। दूसरा स्टार्स का टैबलेट दोनों कुलरोन जो उसके सामने थे उन्हें अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है और हंसते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। और तुरंत ही कहता है, यहाँ खड़े रहकर उसे मत देखो, चलो जितना जल्दी हो सके बाहर निकल कर मेडिसिन हब्स को पिक करो। और इतना कहकर स्टार्स का टैबलेट तुरंत ही वहां से बाहर निकलता है। तभी जोयान की आंखें साइन होती है और जंगली एक्साइटमेंट उसके बॉडी पे देखा जा सकता था। जिसके बाद घाटी के चौक पर ओल्ड मैन और ये फैंग चुपचाप स्टार लुओ स्टोन कुलरोन के सामने खड़े होते हैं। और पलक झपकते ही 4 दिन बीत गए थे और उनका दिल अनजान में कुछ भारी हो गया था। दूसरा ओल्ड मैन तो काफी बेचैन फील कर रहा था और इस टाइम पे उसकी नजर ए फैंग के ऊपर होती है। साथ ही उसे लगता था कि क्या उसका डार्क लाइट कुलरोन नष्ट हो गया होगा तो वो केवल अपने रिसोर्सेज का यूज करके बात के हेवन कुलरोन को छीनने के लिए ही मदद कर सकता था। दूसरा ये फैंग की भौहें बंधी हुई होती है और बूढ़े आदमी की तुलना में वो काफी छोटा था, लेकिन फिर भी उसकी 100 साल से ज्यादा की थी। साथ ही इन कुछ दिनों में ओल्ड मैन की नजरों ने उसे वास्तव में कपाने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे उसे अपने दिल में अनजाना खतरा फील हो रहा होता है। हालांकि जब उसके दिमाग में तरह तरह के थॉट आ रहे होते कि तभी स्टार लुओ स्टोन कुलरोन से काफी सारी लाइटें निकलने लगती हैं और अगले पल स्टार्स का टैबलेट बाहर आता है और उसकी कोल्ड नजरें उन दोनों पर छा जाती हैं। जिसके बाद वो अपने हाथ को लहराता है और 2 कुलरोन जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरते हैं। जिसके बाद वो कहता है, मेरी किस्मत खराब नहीं है, मैं भाग्यशाली था और सक्सेसफुल हुआ। और उन दोनों को देखते हुए उसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल होती है। तब ये देखकर ए फैंग सबसे पहले एक्शन लेते हुए कहता है कि आप सफल हुए और ड्रैगन मिरर कुलरोन को देखता है तो जंगली एक्साइटमेंट उसकी बॉडी में आ जाता है और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। तभी ओल्ड मैन के इंप्रेशन भी काफी शांत थे, लेकिन डार्क लाइट कुलरोन को देखकर वो तुरंत ही अपने हाथ से उसे टच करता है। सरप्राइज होते हुए कहता है, 5 डे कुलरोन,
और कांपते हुए तरीके से बॉस कोल्ड्रोन को स्टोरेज रिंग में रखने ही वाला था कि तभी एक आवाज आती, चिंता मत करो मैं तुम्हारे हेवन कोल्ड्रोन को कुछ टाइम के लिए उधार लूंगा। और इतना कहने के बाद स्टार स्काई टैबलेट तुरंत ही उस डार्क लाइट कोल्ड्रोन को ऊपर खींच लेती है। ये देखकर ओल्ड मैन गुस्से से कहता है इसका क्या मतलब है, लेकिन वो जल्दी ही शांत हो जाता है क्योंकि उसका 5 डे कोल्ड्रोन डार्क लाइट कोल्ड्रोन 5 डे पे प्रमोट हो चुका था, तो उसे अब बाकी की बात की चिंता नहीं थी कि स्टार स्काई टैबलेट अपनी बात से मुकर जाएगा। हालांकि जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ती है जो यान स्टार लो स्टोन कोल्ड्रोन से बाहर निकलता है और ओल्ड मैन तुरंत ही एक जलती हुई आंखों के साथ जो यान की तरफ देखता है। हालांकि जब वो जो यान की तरफ देखता है तो वो देख सकता था कि जो यान बिल्कुल शांत है और उसकी बॉडी में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। तो स्टार स्काई टैबलेट कहता है क्या आप लोगों ने कभी सुना कि लोग पैसे के लिए मरते हैं, जानवर भोजन के लिए। और ऐसा कहते हुए वो ये फैंग की तरफ देखता है, जिसके बाद स्टार स्काई टैबलेट स्माइल करते हुए ये फैंग की तरफ देखता है और तुरंत ही कहता है जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। और इतना कहने के बाद वो ओल्ड मैन की तरफ देखता है और कहता है मेरे पीछे आओ, तुम्हें बाकी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो जो यान की तरफ देखता है और कहता है मुझे नहीं पता यहाँ कितने पार्टिसिपेंट है, लेकिन उन्हें एक एक करके मेडिसिनल हब्स को ढूंढने की जरूरत है क्या। और इतना कहने के बाद वो स्टार स्काई टैबलेट बड़े कदम आगे बढ़ाता है और नीचे का स्टार लू स्टोन कोल्ड्रोन जैसे उसके पास खुद का दिमाग आ गया हो वो तुरंत ही एक तेज लाइट को बादलों तक शाइन करता है और स्टार लाइट स्टार स्काई टैबलेट के बॉडी के अंदर वो लाइट एंटर होने लगती है, जिसे देखकर जो यान भी शॉक रह जाता है और तुरंत ही स्टार स्काई टैबलेट के पीछे पीछे चलने लगता है। दूसरा ओल्ड मैन के भी इंप्रेशन बदल जाते हैं, लेकिन वो भी उसे फॉलो करता है और उन लोगों को जाते हुए देखकर ये फैंग कुछ टाइम के लिए तो शॉक रह जाता है, लेकिन तुरंत ही डिसाइडिंग तरीके से वहां से निकल जाता है। तभी जान कहता है आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हेवन कोल्ड्रोन का यूज करना चाहते हैं। हालांकि स्टार स्काई टैबलेट की स्पीड तेज नहीं होती और जान पीछा करते हुए तुरंत ही उससे कहता है। तभी स्टार स्काई टैबलेट जोन से कहता है क्या तुम उस ओल्ड मैन को मार सकते हो, और अगर तुम उसे नहीं मार सकते तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जोन ने भी इस हेवनली मेडिसिन से के खंडर के ऊपर उड़ने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि उससे डर था कि कहीं कोई उसे देख ना ले, लेकिन वास्तव में स्टार स्काई टैबलेट लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता था। यह देखकर जॉन कुछ भी नहीं कहता, साथ ही जॉन को पता था कि उसने इन जगहों पर काफी ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया था और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके लिए इंग्रेडिएंट को ढूंढना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता। दूसरा ओल्ड मैन इनके पीछे पीछे जाता है और उनकी बातचीत को सुनकर उसके इंप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं, साथ ही उसे काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से उन्हें घूरने लगता है। जिसके बाद स्टार मेडिसिन सेट को छोड़ने के बाद स्टार का टैबलेट रुकता है और हेवन कोल्ड्रोन को अपने हाथ से लहराते हुए जमीन पर छोड़ देता है, जिससे चारों तरफ उस कोल्ड्रोन का ऑरा फूट पड़ता है और हजारों मील के एरिया को कवर कर लेता है। जिसके बाद स्टार का टैबलेट जुआन की तरफ देखते हुए कहता है बाकी का काम आप पर डिपेंड करेगा, मैं इस मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा। और इतना कहने के बाद उसकी आंखें साइन होती है और वो गायब हो जाती है और उसकी सारी कोई भी गायब हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो कभी यहाँ अपीयर ही रहा हुआ हो। ये देखकर ओल्ड मैन के फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो तुरंत ही काफी नाराज होता है कि उस बास्टर्ड ने वास्तव में उसके हेवन कोल्ड्रोन को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था और उसकी पावर की भी उसने जरा भी परवाह नहीं की थी। लेकिन ओल्ड मैन जब स्टार स्काई टैबलेट की पावर के बारे में सोचता है तो चुपचाप अपने दांत पीसकर गुस्से को दिल में दबा लेता है। दूसरा जो यान भी स्टार स्काई टैबलेट को काफी ज्यादा दिल ही दिल में डांटता है कि उसने वास्तव में ऐसी चीजों का यूज किया था। हालांकि काफी देर बाद जब आसपास कोई नहीं था और उदास होते हुए कहता है इस तरीके का छोटा सा जाल भला इन ओल्ड लोगों को कैसे फंसा सकता है। हालांकि जैसे ही जॉन बस उदास हो ही रहा था कि तभी डार्क लाइट कोल्ड्रोन के पास की जगह अचानक से कांपने लगते और अगले पल स्पेशियल एरिया से एक फिगर बाहर आती है जो सीधे डार्क लाइट कोल्ड्रोन की तरफ जा रही होती है। जिसके बाद हमें पास्ट की कुछ बात बताई जाती है जहाँ सोल डेमेंस के टाइम के अंत के 300,000 साल के दौरान जहाँ सेंटो के बीच के गोल्डन पीरियड का टाइम माना जाता था और 300,000 साल पहले अनगिनत सुप्रीम सेंट लेवल के एक्सपर्ट जो पूरे ग्रेट वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर थे सोल डेमेंस की फाइट में मारे गए थे। और इसके बाद कई दसियों हजार सालों बाद वो काफी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ओरिजन की जो कि हेवन और अर्थ के बीच में ग्रेट वर्ल्ड के कारण फैल गई थी धीरे धीरे शांत होती है और हेवन के द्वारा चूज किए गए कुछ लोग एक नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं और वो हेवन और अर्थ की बेड़ियों को तोड़कर सेंट लेवल पर जाते हैं और कुछ सालों के बाद चीजें धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से चलने लगती हैं। साथ ही सेंट हेवन एरिया अन्य डोमेन्स या रियलम्स के से अलग था, ये एक एरिया था जो कि सेंट डोमेन और हेवन डोमेन द्वारा बनाया गया था। साथ ही और भी ज्यादा मिस्टीरियस और इनफाइनाइट एरिया को लीड करता था और उस टाइम के दौरान जब सोल डैमेज ने अटैक करना स्टार्ट किया था तो ये जगह सबसे कम इफेक्टिव थी। साथ ही सेंट हेवन गेट सेंट हेवन एरिया या कि रियलम में पीक सेक्ट में से एक था जिसे कोई हिला नहीं सका था। साथ ही अनगिनत टैलेंटेड पर्सन एक नदी की तरह थे जो इससे निकले थे। साथ ही वहीं पर एक यंग मैन अपने चेहरे पे काफी ज्यादा टेंशन के साथ बैठा हुआ होता है, उसके सामने बादलों का अंतहीन समुद्र था जिसके काफी देर बाद वो आहवरते हुए उदास हो जाता है और ओल्ड मैन उस यंग मैन के आधे बाल काले थे और आधे बाल सफेद, उसकी आंखों के भीतर व्हाइट क्लस्टर बिल्कुल एक गोल्ड डिस्क की तरह दिखाई दे रही होती जो काफी 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 मिक्स भी लग रही होती और काफी अजीब भी।
तभी ये यंग मैन अचानक से खड़ा होता है और गुस्से में होता है, और वो अपने हाथ को फ्लिप करता है और एक स्क्रॉल को जोर से फेंकते हुए कहता है, भाड़ में जाओ इस यंग मास्टर से। इस यंग मास्टर के कॉन्स्टिट्यूशन में दुनिया में आखिरकार गलत क्या है, और उसकी आवाज से आसपास का पूरा एरिया कांपने लगता है और कोई भी उसके सामने कोई भी एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करता। जिसके बाद वो लड़का गुस्से से कहता है, डिवाइन स्काई गेट के सेक्ट मास्टर प्लीज मुझे रास्ता बताएं। और अपना गुस्सा निकालने के बाद वो यंग मैन धड़ाम से अपने घुटनों के बल गिर पड़ता है और उसकी आंखों में दो आंसू की धाराओं को देखा जा सकता था। साथ ही ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफी दर्द में हो। साथ ही सेंट हेवन गेट, जहाँ पे टैलेंटेड पर्सन हर जगह पर थे, यहाँ पे उसके टैलेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं माना जाता था। हालांकि जब वो इंटरमीडिएट लेवल पर था और मोनार्क कल्टीवेशन लेवल पर कदम रखने से पहले उसकी बॉडी में अचानक से म्यूटेशन आया था और ऐसा लग रहा था कि वो जो कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था वो उसके शरीर के साथ अच्छी तरीके से फ्यूज नहीं थी, इसलिए तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गया था और जो रह गया था वो केवल कुछ क्लस्टर्स थे या कि कुछ पार्ट, जिसके कारण वो किसी भी कल्टीवेशन मेथड को यूज नहीं कर सकता था। हालांकि तभी उसके सामने बादलों का समुद्र कांपने लगता है और बवंडर की तरह बादलों में लहर आने लगती है। ये देखकर लड़के के हाव-भाव काफी बदल जाते हैं और वो खड़ा होकर भागने ही वाला था कि तभी डिवाइन गेट अचानक से वहां से बादलों का समुद्र उमड़ पड़ता है और डिवाइन स्काई गेट हिलने लगता है। साथ ही उसे पता था कि जो कोई भी इनमें फंस जाता था वो बिना किसी शक के मारा जाता था। साथ ही इन बादलों की शॉक वेव खतरनाक बोल्ट की तरह थी जो उस लड़के को बचने के लिए जरा भी टाइम नहीं देती और वो तुरंत ही उसे निगल लेती हैं। साला कुछ पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या, कौन था ये लड़का, जिसके कई दशकों बाद मिंगयांग डिवाइन डोमेन में हेवन डिवाइन माउंटेन के बाहर एक बिखरे हुए ग्रे लबादे के साथ एक यंग मैन अपने सामने लग्जीरियस माउंटेन पर नजर डालता है और एरोगेंट तरीके से स्माइल करते हुए कहता है, मैं होली गॉड हूँ और मैं हिस्ट्री में काफी प्राउड तरीके से खड़ा रहूंगा और हेवन डिवाइन माउंटेन में एंटर करूंगा। और जैसे ही उसके वर्ड निकलते हैं उसके आसपास के अनगिनत एक्सपर्ट अचानक से उसके ऊपर हंसने लगते हैं और इसके बाद देखते हैं कि उसके बाल काले और व्हाइट होते हैं और वास्तव में यह बंदा हेवन अर्थ की पावर को नहीं जानता था। हालांकि तभी वो यंग मैन भीड़ की हंसी को इग्नोर कर देता है और चला जाता है और चंद ही कदमों के बाद वो सभी की नजरों से ओझल हो जाता है। और ये एक 5000 साल पहले का वर्शिप सेरेमनी का टाइम था जब हर कोई हेवन डिवाइन माउंटेन के बाहर इकट्ठा हुआ था और स्लॉट को बुक करना चाहता था। तभी इन यांग ओरिजिन कोई अचानक से स्पेस से बाहर निकलती है और सामने के माउंटेन के सामने सभी को रोक देती है। लेकिन इन लोगों के ग्रुप में दो सुप्रीम सेंट लेवल के भी वॉरियर थे जो प्रेजेंट टाइम पे अनबीटेबल माने जाते थे, इसलिए वो तुरंत ही नाराज होते हुए कहते हैं, कौन है जो है लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस नहीं जानता। इस टाइम पे उनके लिए हेवन डिवाइन माउंटेन के अंदर एंटर होना और अपने आप को पॉपुलर करना सबसे बेहतरीन मौका था, लेकिन वो इस चीज से नाराज हो गए होते हैं। लेकिन तभी एक ओल्ड मैन बाहर निकलता है जिसका पूरा योरा मिंगयांग डिवाइन डोमेन को हिलाकर रख देता है, जिसके डर से हर कोई कांपने लगता है। इसके बाद एक ब्लैक एंड व्हाइट ओरिजन कोई लाइट ब्लेड की तरह स्पेस से गुजरती है जो कि एक सुप्रीम सेंट जिसने सबसे पहले एक्शन लिया था उसे मारने से पहले हल्का सा भी मूवमेंट करने का भी टाइम नहीं देती। और इसके बाद वो चिल्ला पाता कि उससे पहले व्हाइट और ब्लैक बालों वाला वो पर्सन बाहर निकलता है और सभी की तरफ देखता है। तभी 5000 साल पहले हेवन डिवाइन माउंटेन की बर्थ सेरेमनी में आए हुए ये लोग देखकर तुरंत ही कहते हैं, ये आप है, और उसके दबंग तरीके को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते कि ये तो वही यंग मैन था जिसने उस टाइम पे काफी ईगोफुल तरीके से कहा था। तभी वो लड़का कहता है, मेरा नाम होली गॉड इन यांग है और हेवन डिवाइन माउंटेन फ्यूचर में मेरे अंडर होगा और मैं इन यांग सेक्ट को यहाँ एस्टेब्लिश करूंगा और हेवन डिवाइन माउंटेन के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगा। साथ ही यंग मैन की आवाज काफी ज्यादा प्राउडफुल और डीप होती है, मानो जैसे ये किसी एशियन टाइम की आवाज हो। और इसी के साथ ये एपिसोड मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक एपिसोड था जिसमें होली गॉड इन यांग के बारे में बताया गया है, ये पूरी नॉवल से कनेक्टेड नहीं है। शायद हमें इनके बारे में आगे कुछ पता चले और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अब हमें होली गॉड इन यांग को देखने को मिले, लेकिन इस नॉवल में तो हमें नहीं मिलने वाला, शायद वॉल्यूम 2 आए तब उसमें पता चले होली गॉड इन यांग के बारे में। तो चलो लाइक सब्सक्राइब मार देना और देखेंगे आगे क्या होने वाला है। बाय बाय।